गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एक वर्ल्ड ओवर डिबेट है, इन ये आपके मन में भी डिबेट है कि जो कोलोनोस्कोपी की जांच है उसके दौरान आपको नींद की दवा या बेहोशी की दवा दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए। यह बड़ा डिबेटेबल इशू है कि आपको सिडेशन दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। आज मैं सिडेशन फ्री कोलोनोस्कोपी या जिसमें नींद की दवाई नहीं दी जाती है उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करूंगा। नौ कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको समझने की जरूरत है। जहां तक स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी है, इज द नीड ऑफ द आवर, इन द सेंस कि स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी जरूर की जानी चाहिए। लेकिन कितने लोग कराते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट, एंड ये वास्तव में सही नहीं है। ये बात सही है कि बहुत सारे लोग स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी की जांच इसलिए नहीं कराते हैं कि उन्हें बार बार सुनाई कर इसमें बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, एंड ये हॉरर जो स्टोरी सुनते हैं उसके चलते ये जांच नहीं कराते हैं, जो वास्तव में सही नहीं है। जहां तक कोलोनोस्कोपी का जो सवाल है, ये वास्तव में कोलन कैंसर या बड़ी आंत के कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं इनको पिकअप करने के लिए ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। ये बात बिल्कुल सही है। जब कोलोनोस्कोपी होती है तो आपकी पूरी बड़ी आंत और आपका रेक्टम या जो मलाशय है इसको प्रॉपरली एग्जामिन किया जाता है, और इसको एग्जामिन करने के अलावा इसमें अगर कोई भी इस तरह की ग्रोथ होती है या प्री मैलिग्नेंट ग्रोथ होती है उसको इजीली रिमूव कर दिया जाता है। इन आपके ऊपर से कोलन का जो कैंसर है उसके होने का जो रिस्क है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अगर हम ध्यान से देखें तो मेजर जो मेडिकल सोसाइटीज हैं वो रिकमेंड करती हैं कि बिना किसी सिम्टम्स के, बिना किसी लक्षणों के भी बाय द एज ऑफ 45 और 50 आपको पहली बार अपनी जो कोलन है या बड़ी आंत है उसकी कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए, जिसे कहते हैं स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी। लेकिन यह बात बिल्कुल सच्चाई है कि मोस्ट ऑफ द सेंटर्स इन एडवांस सेंटर्स कुछ ना कुछ नींद की दवाई दी जाती है ड्यूरिंग कोलोनोस्कोपी, सो दैट आप रिलैक्स हो जाएं एंड आपका जो डिस्कम्फर्ट है वो मिनिमाइज हो जाए। लेकिन इस सच्चाई को समझिए जरा आप कि जो सिडेशन है वो ऑप्शनल है। आप चाहें तो आपको सिडेशन या नींद की दवा दी जाएगी, आप चाहेंगे तो नींद की दवा नहीं दी जाएगी। वर्ल्ड ओवर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में सिडेशन फ्री जो एंडोस्कोपी इज द नॉर्म, मतलब जो सिडेशन फ्री कोलोनोस्कोपी है इन द सेंस कि कोई आपको नींद की दवाई नहीं दी जाती है कोलोनोस्कोपी में, ये वर्ल्ड ओवर नॉर्म है, कॉमन है रादर देन सिडेशन गिवन। एंड ड्यूरिंग द प्रोसीजर आप अपनी जो प्रोसीजर है वो खुद देख सकते हैं, आप स्क्रीन वॉच कर सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, आप कन्वर्सेशन में एंगेज रह सकते हैं, तो आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। नाउ देयर आर सम कॉमन क्वेश्चंस व्हिच नीड सम आंसर। नाउ अगर हम जो बेनिफिट्स हैं जो सेडेशन फ्री कोलोनोस्कोपी या उस कोलोनोस्कोपी जिसमें नींद की कोई दवाई नहीं दी जाती है उसके आप बेनिफिट्स देखिए। नंबर वन, इट सेव्स टाइम, इन द सेंस कि जो प्रोसीजर टाइम वो हमेशा कम होता है। अगर हम आपको नींद की दवाई देते हैं तो अगर प्रोसीजर टाइम जो है 30 मिनट का है तो नींद की दवाई नहीं देते हैं तो प्रोसीजर का जो टाइम है वो 10 से 15 मिनट हो जाता है, नंबर वन। नंबर टू, ये सेफ्टी प्रोफाइल को इंक्रीज करती है। आपको कोई नींद की दवाई नहीं दी जा रही है, आपको कोई एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है, तो आपकी जो सेफ्टी प्रोफाइल है वो बढ़ जाती है, या कोई भी जो है ना कॉम्प्लिकेशन का जो रिस्क है जो एनेस्थीसिया के चलते आता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको कोई एनेस्थेटिक एजेंट दिया ही नहीं गया। नंबर तीन, अगर आप सिडेशन फ्री कराते हैं तो एडिशनल जो खर्च होता है एनेस्थीसिया का वो आपका खत्म हो जाता है, तो जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, तो टाइम कम लगता है, आपका टाइम बचता है, आपकी इंक्रीज सेफ्टी हो जाती है क्योंकि इसका कोई नींद की दवाई नहीं दी गई, एंड जो कॉस्ट है वो वास्तव में आपकी कम हो गई। इसके अलावा आप टाइम इसलिए भी बचाते हैं कि आपने कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया गया तो कोलोनोस्कोपी एक घंटे के बाद आप अपना काम पे जा सकते हैं, गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, इन कुछ भी आप अपने नॉर्मल लाइफ ले सकते हैं, आपका कोई टाइम लॉस नहीं होगा। नाउ द प्रॉब्लम इज कि आपके मन में यह डर रहता है कि अगर नींद की कोई दवाई नहीं दी जाएगी तो जो कोलोनोस्कोपी है वो अनकंफर्टेबल होगी। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर हम पूरे पेशेंट्स को जिनको कि जो है ना कोई सेडेशन या नींद की दवाई नहीं दी गई उनको इंटरव्यूज को ध्यान से देखें, मोस्ट पेशेंट्स ऐसा रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें या तो कोई तकलीफ नहीं हुई या थोड़ी बहुत तकलीफ हुई।
ये मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को अगर हम ऑप्शन दें कि अगर बीच में अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आप बताएं, तो आपको नींद की दवाई दे दी जाएगी. मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स डू नॉट रिक्वायर, और उनने बीच प्रोसीजर में कभी नहीं बोला कि मुझे तकलीफ है और मुझे नींद की दवाई दे दीजिए. अगर स्किल्ड कोलोनोस्कोपिस्ट है तो जो कोलोनोस्कोपी की जांच है वो 99% इज हल्का फुल्का डिस्कंफर्ट या नो डिस्कंफर्ट एट ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर हम सिडेशन फ्री कोलोनोस्कोपी करते हैं तो ये वास्तव में किसके लिए ज्यादा सूटेबल है और किसके लिए ज्यादा सूटेबल नहीं है. साइंटिफिकली समहाउ जो मेल्स हैं या पुरुष हैं दे डू बेटर देन फीमेल्स. इसका मतलब है कि प्रोसीजर्स को जो मेल्स हैं वो बेटर टॉलरेट करते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल्स. इट इज नॉट दैट कोई कारण है, कारण सिर्फ इतना है कि जो एनाटॉमिकल डिफरेंस है, जो फीमेल एंड मेल की जो बड़ी आंत है उसके चलते जो फीमेल्स हैं उनको डिस्कम्फर्ट ज्यादा होता है. इसके अलावा पहले अगर कोई सर्जरी हुई है, जैसे हिस्टरेक्टमी हुई या बच्चादानी निकाली गई या कोई भी जो ना ऐसा पेट में ऑपरेशन हुआ जो नीचे की तरफ हुआ, तो जो कोलोनोस्कोपी है वो कभी कभी थोड़ी सी पेनफुल हो सकती है इन फीमेल्स. तो इसलिए ऐसा भी देखा जाता है कि मेल्स में जो सेडेशन फ्री कोलोनोस्कोपी है या बिना किसी नींद की दवाई की कोलोनोस्कोपी है इज बेटर इन कंपैरिजन टू फीमेल्स. देन जो सेडेशन फ्री या बिना एनेस्थीसिया की जो कोलोनोस्कोपी है दे आर इजियर, वो दे आर इजियर डन. और अगर आपका वेट ज्यादा है तो रिकमेंडेशन यही है कि आपको बिना किसी नींद की दवाई की कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए. Now the next question is कि अगर मुझे कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया गया और मेरी कोलोनोस्कोपी में अंदर एक पॉलिप निकलता है तो जो पॉलिप कट करके निकाला जाएगा तो क्या मुझे बहुत दर्द होगा? It is absolutely painless. आप जानते हैं कि जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत की जो अंदर की सरफेस या उसकी जो लाइनिंग है उसमें पेन जो रिसीव करने वाली जो नर्व एंडिंग्स हैं वो नहीं होती हैं. तो इसलिए अगर उसमें गांठ भी निकलती है, पॉलिप भी निकलता है, तो उसको निकाला भी जाए कट करके या इलेक्ट्रोकोआगुलेशन के द्वारा, तो भी आपको किसी तरह का कोई दर्द महसूस नहीं होता. तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. नो, अगर हम पेशेंट से बात करें जिनकी कोलोनोस्कोपी जांच हुई वो क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट यूनिवर्सली मोस्ट पेशेंट्स का ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि जो बिना किसी नींद की दवाई के भी कोलोनोस्कोपी हुई इट वाज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, इसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी. एंड दे वुड अगेन ऑप्ट फॉर अ सेडेशन फ्री कोलोनोस्कोपी अगर उन्हें फ्यूचर में भी कभी कराने की जरूरत पड़ी तो. एंड दे ऑल्सो सेड कि वो रिकमेंड करेंगे दूसरे लोगों को भी कि उनको बिना किसी नींद की दवाई के जो कोलोनोस्कोपी है कराना चाहिए. तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो कोलोनोस्कोपी से जैसी जो जांच है उसमें सेडेशन दिया जाना चाहिए या सेडेशन नहीं दिया जाना चाहिए, अगर हम वर्ल्ड ओवर मोस्ट ऑफ द सेंटर्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द सेंटर्स में सेडेशन फ्री कोलोनोस्कोपी की जाती है. इसका मतलब यह है कि नींद की दवाई नहीं दी जाती है. अगर नींद की दवाई नहीं दी जाती है तो आपका टाइम ज्यादा बचता है, रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं, एंड ये बात सही है कि कॉस्ट नीचे की तरफ आती है क्योंकि कोई भी एनेस्थीसिया की जरूरत आपको नहीं पड़ती है. एंड कोलोनोस्कोपी अगर आप कोई नींद की दवाई नहीं दी जाती है तो जो कोलोनोस्कोपी का जो टाइम है वो हमेशा शॉर्ट हो जाता है. तो इसलिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो कोलोनोस्कोपी है उसमें नींद की दवाई या नशे की दवाई या बेहोशी की दवाई नहीं दी जाती है. लेकिन आपको अगर लगता है कि आप कोलोनोस्कोपी बिना किसी एनेस्थीसिया के नहीं करा पाएंगे तो आप अपने डॉक्टर को बताइए, तो आपको कुछ नींद की दवाई दी जाएगी एंड आपके जो कोलोनोस्कोपी की जांच है वो अंडर एनेस्थीसिया की जाएगी. अगर आप समझते हैं कि सेडेशन फ्री कोलोनोस्कोपी को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है.